डिस्क्लेमर, शिवचंगा मलिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिजलाबाज भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 8 वैरायटी का गप्पी दिखाऊंगा जो कि मैंने अपने फार्म पे ऐड किया है। उसमें से कुछ वैरायटी का गप्पी कॉमन है, मगर कुछ वैरायटी का ऐसा गप्पी है जो कि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे ही देखने वाले हो। तो कौन कौन सा वो वैरायटी है वो आपको आगे एक एक करके दिखाऊंगा, और वो सभी गप्पीज को कौन से टैंक में मैं छोड़ रहा हूँ और किस तरीके से उन लोगों का टैंक सेटअप मैंने किया है वो सब कुछ एक एक करके दिखाऊंगा। ये वाला वैरायटी देख रहे हो ना भाई, ये लाजुली ब्लू नहीं है, कौन सा वैरायटी है वो आगे दिखाऊंगा। लजुली ब्लू का इतना बड़ा साइज का डम्बो और इस तरीके का फिन में ब्लैक बॉर्डर आता ही नहीं है। और जो सब मैंने गप्पी मंगवाया है उसमें से कुछ गप्पी बहुत ही छोटा मंगवाया है, ये देखो क्यों ऐसा छोटा है वो आगे बताऊंगा। और कुछ वैरायटी का गप्पी मैंने बड़ा मंगवाया है, तो बड़ा क्यों मंगवाया है वो भी बताऊंगा। और जो सब मैंने छोटा मंगवाया है ये देखो, ये योलो टक्सेडो बहुत ही छोटा मैंने मंगवाया है, और इतना छोटा है समझो कि 2 महीने का उम्र होगा, ठीक है। तो इसको मैं बहुत ही जल्दी जल्दी डाफनिया खिलाऊंगा, और डाफनिया के बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। मगर उससे पहले जिन लोगों को गप्पी फिश खरीदना है, मैं टोटल 10 वैरायटी का 10 पेयर गप्पी फिश आप लोगों को 1000 रुपये में दे रहा हूँ। तो 1000 रुपये में आप लोगों को टोटल 20 पीस गप्पी मिल जाएगा 10 पेयर। जिसको भी चाहिए मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग पे ही मैंने दे दिया था। तो आज की इस वीडियो में क्या कुछ दिखाऊंगा प्रॉपरली मैंने बोल दिया है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहो। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि गप्पी फिश रिलेटेड वीडियो तो मैं लाता रहता हूँ, मगर मेन जो मेरा मोटिव है वो है बेटा फिश। ब्रीडिंग सीजन आ चुका है दोस्तों, बेटा फिश का बहुत सारा ब्रीडिंग वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखो। चलिए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो मेरे जो सब भाई लोग मेरे से मछली ऑर्डर करना चाहते हो उन लोगों को पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा प्रोसेस। ये जो मेरा नंबर देख रहे हो ये मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों का ही नंबर है, आप लोग कॉल मत करो, फोन स्विच ऑफ बोलेगा, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, जो भी मछली चाहिए उसका मैसेज कर दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर कॉल पे मेरे को ऑर्डर देना चाहते हो तो रेगुलर वीडियो देखा करो, मैं किसी टाइम पे आप लोगों को बता दूंगा कि इस टाइम पे मैं फ़ोन ऑन करूंगा, तो उस टाइम पे आप लोग कॉल करोगे तो मैं आपको फ़ोन उठा के ऑर्डर ले लूँगा। और फिलहाल जो सब भाई लोग मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, मेरे ये वाला जो नंबर है जो मैंने आप लोगों को दिखाया उसमें अभी के टाइम पर 6300 के आसपास मैसेज आके पड़ा हुआ है ऑर्डर के लिए। ये देख लो, सबूत देख लो भाई, आज प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। और मेरा जो मेन नंबर था जो कि मैं पहले YouTube पे दिया करता था उसमें 12000 से ऊपर मैसेज आ चुका है। अभी देखो दोस्तों, मैंने कुछ स्टेटस लगाया था अभी, तो भाई इस नंबर से अगर कोई मैं WhatsApp पे स्टेटस लगाता हूँ उसमें भी भाई 6-7000 व्यूज़ आ जाता है। मतलब भाई सोचो, स्टेटस लगाता हूँ तो 6-7000 व्यूज़, ये तो सब कुछ मैंने पार्सल भेजा था उसका रिसीप्ट मिला है लोगों को, तो वो स्टेटस लगा दिया था, तो अभी ज़्यादा इसमें व्यूज़ आया नहीं है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाता है, मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगा जब 6000-7000 व्यूज़ क्रॉस करेगा। ये देखो कितना व्यूज़ आया, देख रहा है 942 एक घंटे के अंदर व्यूज़ आ गया है, ऐसा ही सीन होता है। और जो सब भाई लोगों ने मेरा व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया हो जरूर से जाके फॉलो कर लेना, व्हाट्सअप चैनल का लिंक इसी वीडियो के फास्ट कमेंट पे मैं दे रहा हूँ। फास्ट कमेंट पे मैं अपना सभी चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसी के साथ व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ। फास्ट कमेंट पे बहुत सारा लिंक है, आप लोग सभी लिंक पे क्लिक करो, मेरा हर एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पे मैं कभी कभी कुछ कुछ धमाकेदार ऑफर देता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हो। तो फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो पहला वैरायटी दिखाने वाला हूँ वो है योलो टक्सेडो गप्पी। अब ये जो योलो टक्सेडो गप्पी है मैं अपने ही एक भाई के पास से लेके आया हूँ, वो भाई को आप लोगों ने शायद एक वीडियो में देखा भी रहेगा, जो सब मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उन लोगों को पता होगा। वो भाई ने मेरे लिए एक स्केच बना के लाया था, मेरा एक पूरा पोर्ट्रेट, पूरा एकदम मेरे जैसा डिटो दिखने वाला एक फ़ोटो वो 1 महीने से ड्रॉ करके मेरे लिए लाया था, तो उसको मैं अपने वीडियो में एक बार कवर भी किया था। अब देखो दोस्तों कितना छोटा मैंने गप्पीज को उठाया है, एकदम छोटा छोटा गप्पी मैंने लिया है। ये देखो साइज दिखाने के लिए, साइज के एक आइडिया देने के लिए मैंने एक रीडॉल का बॉटल और ट्यूबफ्लेक्स वॉर्म का एक पैकेट सामने रख दिया है। आप लोग देखो कितना छोटा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का गप्पी है, ठीक है, 2 महीने में इतना साइज आ गया है। अब दोस्तों 3 महीने का जब हो जाएगा उस टाइम से ये लोग ब्रीड करना स्टार्ट करेगा, नॉर्मली तो भाई 1 महीने का गप्पी भी ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो गप्पी आप लोगों का अभी दिखा रहा हूँ ये गप्पी लजुली ब्लू गप्पी नहीं है दोस्तों, इसमें 2 वैरायटी का गप्पी है पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। और एक भी लजुली ब्लू वैरायटी सोच के गलती मत करना, नीचे जो आप लोग देख रहे हो प्रिंटेड टेल वाला जिसमें रेड ब्लू येलो कलर का प्रिंट है उसके बारे में वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा क्या इसका झोल है,
उसके पहले दोस्तों ये जो आप लोग ऊपर तैरते हुए देख रहे हो जो एकदम भाई अलग ही लेवल का दिख रहा है, देखो एक बार भाई, इसको आप लोग लजुली ब्लू मत समझना। मैंने जो कि पहले बोला लजुली ब्लू कभी भी मत समझना, क्योंकि लजुली ब्लू कलर का इतना गप्पी डार्क नहीं होता है, डार्क कलर का होता नहीं है, और इसके टेल में ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आता नहीं है, और डम्बो यार तो उसमें भाई आता भी नहीं है। तो भाई गप्पी एक बार देखो, जो मैं दादा से लेके आया हूँ वो दादा एक्चुअली ये सब गप्पीस को तैयार किया है, रेडी किया है, ये अभी किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो दादा ने क्रॉस ब्रीडिंग करवा करवा के ये सब गप्पी स्ट्रेन को निकाला है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के निकाला हुआ है। तो ये सब गप्पी मैंने उनसे लिया है ताकि मैं और भी थोड़ा बहुत तिग्राम लगा के और भी अलग अलग निकाल पाऊँ। मैंने सोचा हूँ कि इसको हाफ मून टेल बनाऊँगा, ठीक है, जब इसका हाफ मून टेल पूरी तरीके से बन जाएगा, इसका मतलब बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, फिर उसका भी बच्चा होगा, तो धीरे धीरे मैं उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाऊँगा, जिसका टेल अच्छा रहेगा उस तरीके से ब्रीडिंग करवाते करवाते हाफ मून टेल इसका आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों इन लोगों को मैं क्वारंटाइन करने कर रहा हूँ। तो क्वारंटाइन किस तरीके से करना पड़ता है देख लो भाई, आप लोग सबसे पहले 4 लीटर पानी ले लो, ये जो गमला है इसमें मैंने 4 लीटर पानी लिया है, और 4 लीटर पानी में 10 ग्राम रॉक सॉल्ट और 10 ड्रॉप मिथनल ब्लू, ठीक है, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग 10 ग्राम के बदले में 12 ग्राम रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, 8 ग्राम रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। मिथनल ब्लू भी सेम है, आप लोग 10 ड्रॉप की जगह 11-12 ड्रॉप भी डाल सकते हो, या फिर 8 ड्रॉप भी डाल सकते हो, 8 ड्रॉप के कम मत डालना, ठीक है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, मछली के शरीर में अगर कोई भी तरीके का पैरासाइट रहेगा, फंगल इन्फेक्शन रहेगा, कोई भी तरीके का मछली के शरीर के अंदर कुछ उल्टा सीधा कीड़ा मकोड़ा रहेगा, तो वो सब कुछ मर जाएगा। और हाँ, ये क्वारंटाइन करने के लिए आप लोगों को 2 दिन तक इसी गमले पे मछलियों को रखना पड़ेगा। तो 2 दिन तक दोस्तों कुछ भी खाना नहीं देना है, ठीक है, यही गमले पे आप लोगों को रखना है 2 दिन तक। और एक एक गमले पे आप लोगों को 15-20 से ज़्यादा मछली रखना नहीं है, अगर मछली छोटा है तो 15-20, अगर बड़ा साइज़ का है तो 10-20, 4 लीटर पानी में 2 दिन तक रखना है, नो एयर पंप और कुछ नहीं, खाना वाना कुछ नहीं। तो 2 दिन के अंदर मछली पूरा एकदम साफ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अपने टैंक पे ऐड करो। अगर आप लोग केरला से मछली मंगवा रहे हो या फिर कोई भी दूसरा जगह से मछली मंगवा रहे हो जहाँ से आपको श्योर नहीं है कि उसके पेट में किसी भी तरीके का कीड़ा रह सकता है, मतलब जो पैरासाइट होता है, वार्म होता है, वो सब ना रहे, उसके लिए आप लोग ये वाला तरीका मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि गप्पीस में डीवॉर्मिंग होता नहीं है। डीवॉर्मिंग जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा, पेट के अंदर जो उल्टा सीधा कीड़ा वार्म रहता है, केंचुआ वगैरह जो होता है, वो सब मारने के लिए ये डीवॉर्मिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। फ्लावर हॉर्न में क्या होता है, फ्लावर हॉर्न या फिर मॉन्स्टर फिश में एक दवाई होता है जो कि मछली को खाने के साथ मिला के देना पड़ता है, मगर वो दवाई अगर गप्पी फिश में खाने के साथ मिला के दूंगा तो वो गप्पी फिश मर जाएगा, क्योंकि छोटा मछली है वो झेल नहीं पाएगा। तो गप्पी फिश में डीवॉर्मिंग करने के लिए ये वाला प्रोसेस जो है वो सबसे बढ़िया रहेगा, मैं जो ये प्रोसेस आप लोगों को बताया मिथनल ब्लू और रॉक सॉल्ट देके, तो ये वाला प्रोसेस आप लोग ट्राई करना। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को मैं छोड़ के दिखा देता हूँ, ये जो येलो टक्सेरे हो थोड़ा सा आप लोग लुक देख लो, ये अभी 2 महीने का गप्पी है, कितना सुंदर टेल से आ चुका है और कलरेशन भी देख रहे हो, और इसका जो टेल है पूरा एकदम एक डेल्टा टेल में आएगा, एकदम ट्रायंगुलर शेप में टेल में आएगा, और इसलिए मैंने वो गप्पी उठाया था, वो भाई का ब्रूडर मैंने देखा था, ब्रूडर बहुत ही बढ़िया था। और जो येलो टक्सेरो देख रहे हो वो मैंने वो भाई के भाई से लिया है, और जो आप लोग दूसरा स्ट्रेन देखे जो 2 वेराइटी का लजुली ब्लू जैसा दिखने वाला डम्बो यार का दिखाया, वो मैंने अलग जगह से लिया है, ठीक है। तो 2 गप्पी 2 अलग अलग जगह से मैंने लिया है, आप लोग एक जगह से लिए हो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। फिलहाल एक एक करके छोड़ रहा हूँ, और देखो मेरे को थोड़ा सा ठंड लग गया था तो मेरे माँ जो है वो अभी छोड़ रहा है, क्योंकि मेरे को पानी में हाथ वो देने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे देखो कितना छोटा मछली है, साइज़ देख लो एक बार, 2 महीने का मछली है, आप लोगों को अभी साइज़ का अंदाज़ा मिल जाएगा, हाथ में उठा के दिखा रहा है, तो ये देखो साइज़ कितना छोटा है। तो मछली को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, और 2-4 आप लोगों को दिखा देता हूँ उसके बाद डायरेक्ट छोड़ देंगे, तो आप लोगों को साइज़ का एक प्रॉपर अंदाज़ा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि दादा छोटा मछली मेरे को मत भेजना, मेरे को बड़ा साइज़ का मछली भेजना ताकि मैं ब्रीडिंग कर पाऊँ। तो भाई तुम ब्रीडिंग करना चाहते हो तो यही साइज़ का मछली सबसे बढ़िया रहेगा, मगर हाँ मैं इतना छोटा साइज़ का मछली भेजता नहीं हूँ, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का भेजता हूँ जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब ब्रीडिंग के लिए वो मछली प्रॉपर ठीक ठाक है, स्टार्ट हो जाएगा आपके घर पे जाने के बाद ही वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देगा। ये जो मछली है ये अभी ब्रीडिंग नहीं करेगा क्योंकि सर्दी का बच्चा है, तो सर्दी का बच्चा जो है वो थोड़ा सा लेट में ही ब्रीडिंग स्टार्ट करता है, और ये मछली का उम्र 2 महीना हो चुका है। नॉर्मली गप्पी क्या है, 1 महीने का एक जो बच्चा गप्पी है 1 महीने की उम्र का, वो गप्पी ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो मेल 1 महीने का उम्र में ही चेसिंग करना स्टार्ट कर देगा, फीमेल भी 1 महीने के बाद ही लोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
मगर सर्दी का मौसम था इसीलिए ये वाला गप्पी अभी लोड नहीं हुआ है और मेल भी अभी चेसिंग करना स्टार्ट नहीं किया है। अभी गर्मी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है तो मेल भी चेसिंग करना स्टार्ट कर देगा, फीमेल भी लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे लिए सब कुछ सही रहेगा। फिलहाल ये वाले गप्पी की तरफ बात करते हैं। तो ये वाला जो गप्पी देख रहे हो, ये दादा ने मेल और फीमेल को सेपरेटली ग्रूमिंग किया है। गप्पी का ग्रूमिंग में मतलब होता है कि मेल एक सेपरेट टैंक पे होगा, फीमेल एक सेपरेट टैंक पे होगा। मेल जो है वो फीमेल को चेस नहीं करेगा और फीमेल भी लोड नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, मेल का फिन जो है वो बहुत ही बढ़िया ग्रो होगा, फीमेल का भी बॉडी से फिन का पैटर्न वो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो आप लोग देखो दोस्तों ग्रूमिंग किया हुआ गप्पी कैसा दिखता है। और जो दादा से मैं गप्पी से ये सब लेके आया हूँ वो एक तरीके से बोल सकते हो कि गप्पी का साइंटिस्ट है, क्योंकि वो दादा एक्चुअली कोई भी उसका वीडियो, ये मेरा भांजा का थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर रहा था मेरा, तो जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, ये जो दादा है वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट जैसा है, ठीक है। उसको किसी ने वीडियो नहीं बनाया है, आज तक उसका एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, मगर वो दादा के पास ऐसा गप्पी मैंने देखा है भाई, मतलब देख के हैरान हो जाओगे भाई। ये सब गप्पी आप लोग कहाँ पर देखोगे बताओ भाई। ये लजुली ब्लू कलर में गप्पी है, उससे डार्क कलर का, और डम्बो एयर में। अभी आप लोगों ने कभी देखा होगा भाई, देखा नहीं होगा ना। तो ये सब गप्पीस को उन्होंने बनाया है कुछ गप्पीस को मिक्स करके, लाइक जो पर्पल बेरी ड्रैगन डम्बो एयर होता है उसके साथ इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को का क्रॉस ब्रीडिंग करवा के, उसके साथ योलो लेपर्ड का क्रॉस ब्रीडिंग करवा के उन्होंने टेल का पैटर्न वैटर्न निकाला है। और ये देखो, ये जो एग्स देख रहे हो ये सब एग्स स्नेल्स का है। तो मैं अभी अपना गोल्डन गप्पी का टैंक साफ कर रहा था, इतना गंदा हो चुका है। तो गोल्डन गप्पी का भाई आप लोगों ने बड़ा करने का मौका नहीं दिया भाई, गोल्डन गप्पी ऑलमोस्ट भाई इतना ही पड़ा हुआ है। कितना सारा बच्चा था मेरे पास, आप लोगों ने भाई इतना छोटा बच्चा ही खरीद खरीद के मेरे को भाई फकीर बना दिया। तो ये सब गोल्डन गप्पी को मैं अभी यहाँ पे हटा के, यहाँ पे जो दो वेराइटी का नया गप्पी लाया हूँ वो सब मैं ऐड करने वाला हूँ, ये सब पेटी वेटी लगा के। और हाँ, जो सब लोग सोच रहे हो कि वो सब गप्पी क्रॉस ब्रीडिंग का गप्पी है, बहुत सारे वेराइटी का गप्पी मिक्सिंग करके निकाला गया है, तो उन लोगों को मैं पहले ही क्लियरली बोल देता हूँ, वो स्टेबल लाइन पे आ चुका है। स्टेबल लाइन से मतलब होता है कि जो पेरेंट्स गप्पी होता है, जो ब्रूडर गप्पी का मेल और फीमेल होता है, वो सेम मेल और फीमेल सेम निकलेगा उसका बच्चा, तो लाइन जो है वो स्टेबल होगा। जितना सेम बच्चा निकलेगा लाइन उतना स्टेबल होगा। तो जो सब गप्पी मैंने लिया है वो दादा से ऑलमोस्ट ये लाइन स्टेबल होने को आया है, तो मेरे पास आके और भी स्टेबल हो जाएगा। तो मैं इसका टेल जो है वो हाफ मून शेप में लाने की कोशिश करूंगा। हाफ मून शेप मतलब होता है रोटी जैसे एकदम गोल टेल, ठीक है, माँ का बना हुआ रोटी, ठीक है, माँ का बना हुआ रोटी जैसे गोल होता है एकदम उस साइज का, एक शेप का टेल। फिलहाल तो ये ट्रायंगुलर शेप का है जिसको डेल्टा टेल बोला जाता है, मैं इसका हाफ मून टेल बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये सब जो वीडियो क्लिप देख रहे हो भाई, ये सब वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। मतलब अभी तो आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में क्लिप दिखा रहा हूँ टेलर टाइप का, तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा डिटेल में, क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाने जाऊंगा ना तो ये वीडियो पूरा बन जाएगा समझो 35 मिनट का, 35 मिनट के आसपास। तो मैंने क्या किया है, वीडियो को काट के थोड़ा सा छोटा बना दिया है ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, 35 मिनट का वीडियो अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो ये सब गप्पीस के लिए मैंने ये सब टैंक रेडी किया था, तो ये सब टैंक्स पे मैंने एक एक वैरायटी का ही छोड़ रहा हूँ। ये देखो येलो टक्सीडो का जो फ्राई था, मतलब येलो टक्सीडो का फ्राई बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये फ्राई बड़ा होके अभी बच्चा देने लायक हो चुका है, ठीक है, फिर भी इसको फ्राई बोलते हैं, चलो। तो येलो टक्सीडो का जो फ्राई था इसको इस टैंक पे हम लोग छोड़ेंगे, और बाकी का गप्पीस तो आप लोग देख ही रहे हो। और जो ब्लैक कलर का आप लोगों को दिख रहा था वो सब कुछ मैंने डाला है रस्सी का उलझा हुआ टुकड़ा, ताकि गप्पीस उसमें छुप सके, और बच्चा अगर इसमें हो जाएगा, बाई चांस हो गया तो उसके अंदर जाके छुप जाएगा बच्चा। बाकी अगर मेरे को कोई लोडेड फीमेल दिख जाएगा उसको तो मैं उठा के अलग एक ब्रीडिंग केज में डालूंगा, वही मेरा प्लान है। अब ये देखो, देख रहे हो भाई क्वालिटी देखो एक बार भाई, आइवोरी गप्पी जैसा दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, ब्लू आइवोरी जैसा, मगर ये ब्लू आइवोरी नहीं है मेरे भाई। ब्लू आइवोरी बोल के मैं सेल कर सकता था जब मैं दादा से वो मछली लेने के लिए गया था ना, मेरे को भाई देख के ही लगा कि ये तो आइवोरी जैसा दिख रहा है भाई, मगर नहीं भाई आइवोरी नहीं है। आइवोरी जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है, बट ये वाला गप्पी किसी के पास भी नहीं है फिलहाल। लोग बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया भाई, वन एंड ओनली इन वर्ल्ड, ये बोलना चाहिए मेरे पास, क्योंकि ये जो गप्पी है किसी के पास भी नहीं है। जो दादा के पास मैंने से लाया हूँ वो दादा के पास ही एक्चुअल में है, ठीक है, और किसी के पास भी नहीं है, देख लो भाई। और किसी को अगर ये गप्पी दूसरे गप्पी जैसा लगता है तो गलती मत करना। फिलहाल ये सब गप्पी जो है वो मैं रेडी करूंगा, देखते हैं इसका बच्चा कैसा निकलेगा,
उसके बाद थोड़ा बहुत सेलिंग करेंगे, बाकी टेल सेप के ऊपर मैंने बोला बोल ही दिया हाफमून टेल सेप का लाने की कोशिश करूंगा। ये योलो टक्सीडो का भी मैं हाफमून टेल सेप लाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत रेड ड्रैगन हाफमून का जो गप्पी है उसके साथ क्रॉस करवा के निकालेंगे। तो धीरे धीरे देखते हैं भाई, गर्मी का मौसम तो आ रहा है, गर्मी के मौसम पे भाई बहुत सारा तिग्राम लगाएंगे क्योंकि उस टाइम पे गप्पी बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीड करेगा, गप्पी का फ्राई भी बहुत फास्ट ग्रो करेगा। तो गप्पी जितना फास्ट ब्रीडिंग करेगा फ्राई भी उतना जल्दी बड़ा होगा, तो जो हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे उसका रिजल्ट भी हम लोग को उतना जल्दी मिल जाएगा। अभी सर्दी का मौसम पे मैंने 24 कैरेट का जो टेल है वो गोल शेप में लाने के लिए, हाफमून शेप पे लाने के लिए 24 कैरेट के साथ मैंने रेड ड्रैगन का क्रॉस ब्रीडिंग करवाया था। उसका बच्चा सर्दी का टाइम पे ग्रोथ स्लो हो गया था, अभी गर्मी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है तो ग्रोथ वो पकड़ रहा है। तो अभी आप लोगों को मेरे को 1.5 महीना टाइम देना पड़ेगा, 1.5 महीने के बाद आप लोगों को मैं प्रॉपर बता दूंगा कि एक्चुअल में हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करके गोल्डन गप्पीज का हाफमून टेल सेप लाने में कामयाब रहे हैं या फिर नहीं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना। और ये देखो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, और फीमेल जो देख रहे हो ये सब मेरा घर का फीमेल है, दादा से मैंने फीमेल नहीं लिया क्योंकि दादा के पास जो फीमेल था वो बहुत बड़ा साइज़ का हो गया था, तो मैं अपने घर का ब्रीडिंग में से जो फीमेल था वो सब निकाल के अच्छा अच्छा वाला वो सब लगा दिया हूँ ये सब मेल्स के साथ। तो इससे क्या होगा, इनका जो जेनेटिक्स है मतलब जो DNA एनालिटिक्स होता है पूरा स्टेबल हो जाएगा, कोई भी अगर बीमारी लगेगा तो ये मछली मरेगा नहीं। और ये जेनेटिक्स DNA एनालिसिस ये क्या होता है आप लोगों को मैं एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा बहुत मैंने एक वीडियो में बताया था इंटरब्रीडिंग वाला वीडियो पे, तो जो सब लोगों ने नहीं देखा जाके देख लेना भाई, मेरा वीडियो होता ही है ऐसा, मतलब पूरा यूट्यूब पर ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था भाई लोग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कॉमेंट सेक्शन पर जाके DNA लिख देना, DNA डैड इज नाजाइस औलाद, नहीं भाई DNA का असली फुल फॉर्म किसी को पता है, कमेंट करो भाई कमेंट करो, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ठीक है DNA का फुल फॉर्म, आप लोग कमेंट करो वो।